नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्नैपचैट का आप यूजर नेम किसी के साथ भी शेयर कैसे कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हो कि अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन का यूजर नेम जो किसी के साथ भी शेयर कैसे करें, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा, अपने फोन में स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करना है। और गाइस, जैसे स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस करना क्या होगा, ऊपर की साइड में देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाला आइकॉन देखने को मिल जाएगा। सिंपली गाइस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद देख सकते हो ऊपर की साइड में यहां पर आपको सेटिंग्स वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहां पर सेकंड वाला ऑप्शन यूजर नेम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस यहां से यूजर नेम शेयर करने के लिए करना क्या होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस देख सकते हो यहां पर कई सारे शेयर के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर गाइस आप कहीं पर भी इसको शेयर कर सकते हो। देख सकते हो यहां पर जीमेल है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, मैसेज है, बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस एग्जांपल के लिए मैं यहां पर आपको व्हाट्सएप पर शेयर करके बता देता हूं। तो जैसे ही गाइस यहां पर हम व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर कोई भी एक नंबर आपको सेलेक्ट कर देना जिस नंबर पर आप शेयर करना चाहते हो। तो चलिए गाइस यहां पर हम इस नंबर पर शेयर करते हैं और इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद देख सकते हो यहां पर शेयर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद गाइस यहां पर आपकी प्रोफाइल का, स्नैपचैट का जो प्रोफाइल है, उसका यूजर नेम जो यहां पर शेयर हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप स्नैपचैट के अंदर अपने यूजर नेम को शेयर कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।